नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। गुरु नानक जयंती पर सिलीगुड़ी के गुरुद्वारे में पहुंचे केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक। इस दौरान सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष समेत अन्य लोग भी रहे मौजूद। माटीगढ़ा जोड़ा पुल के पास एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, पूरा इलाका धुएं से ढका, इलाके में दहशत। तूफानगंज में जगधात्री पूजा के विसर्जन को लेकर दो गांवों के बीच हंगामा, एक की मौत, चार घायल। मामले की जांच के लिए पुलिस ने दो लोगों को लिया हिरासत में। अनियंत्रित होकर तिस्ता में गिरी एक चार पहिया वाहन 10 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग लेखेभीर इलाके में घटी घटना में गाड़ी में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत। सिलीगुड़ी में माटीगढ़ा थाना की पुलिस ने सुलझाई चोरी की गुत्थी, चोरी के सामान के साथ दो लोगों को किया गिरफ्तार। फुलबाड़ी आमबाड़ी तिस्ता कैनल रोड के नवापाड़ा कैनल मोड़ पर दो मालवाहक वाहनों की टक्कर। ट्रैफिक चौकी की पुलिस और आमबाड़ी चौकी की पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को बरामद कर जांच में जुटी। शाही परंपरा का पालन करते हुए कुछ बिहार का ऐतिहासिक मदन मोहन रास उत्सव का हुआ शुभारंभ। रास चक्र घुमाकर कुछ बिहार के रास उत्सव को जिला शासक अरविंद कुमार मीना ने किया उद्घाटन। डुअर्स के राजा भातखावा जंगल में ट्रेन की चपेट में आने से तीन हाथियों की मौत, जांच में जुटी वन विभाग। फांसीदेवा ब्लॉक के सदरगच्छ इलाके में एक व्यक्ति का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। प्रभावशाली नेता विनय तामंग ने थामा कांग्रेस का झंडा, टीएमसी के लिए बड़ा झटका। रैपिड टाइम्स में आज के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। नमस्कार।